नमस्कार, न्यूज 18 खास प्रोग्राम नेताजी की रेसिपी में आपका स्वागत है और मैं श्रीनिवास चौधरी। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी भारती पाटिल जी। भारती पाटिल जी कुशल गृहिणी के साथ साथ एक अच्छी महिला नेत्री भी है। वर्तमान में नगर पालिका की पार्षद हैं और भाजपा ने इन पर विश्वास जताते हुए लोकसभा की अपने प्रत्याशी बनाया है। तो आज की खास प्रोग्राम का हम शुरुआत करते हैं। भारती जी, न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आप सबका धन्यवाद। तो आज क्या खास आप बना रहे हैं दर्शकों को, हमारे दर्शकों को क्या बता रहे हैं आप, क्या खास बनाने जा रहे हैं आप? देखिए, चुनाव जिस तरीके से गति पकड़ा हुआ है तो खास बनाने का तो कुछ समय नहीं है, लेकिन जो दैनिक दिनचर्या में है, सुबह की चाय, सुबह चुनाव प्रचार के लिए जल्दी निकलना होता है तो सब्जी रोटी बनाकर खुद खाओ, टिफिन लेके जाओ, अपने साथ जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वाहन चालक हैं, उन सबको खाना खिला के उनके साथ निकलना, तो खास तो कुछ बनाने का अभी समय नहीं है चुनाव में। अच्छा, बताइए आपको क्या क्या पसंद है, क्योंकि मान चला कि आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, क्योंकि आप कुशल गृहिणी भी हैं और आप घर और राजनीति दोनों कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? महिलाएं किचन से नहीं निकल सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए चाहे राष्ट्रपति बन जाए, दोहरी भूमिका महिलाएं निभाती हैं, इसीलिए महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ हैं। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया भी है, लेकिन मेरा परिवार मेरी प्राथमिकता है, परिवार के लोगों का ध्यान रखते हुए फिर सारा दिन आप निकल जाओ राजनीति के लिए। और जैसे आपने कहा क्या पसंद है, तो मुझे भोजन में तो भिंडी की सब्जी, भट्टा जो सहगा भट्टा होता है वो, और दूसरा जो घुया के पत्ते, अरबी के पत्ते की जो बड़ी होती है जो हमारे समाज में बहुत उसकी पसंद किया जाता है, तो वो दोनों चीजें मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताएं राजनीति में आने के लिए क्या सोचे, राजनीति में कैसे आया? राजनीति तो भैया स्वाभाविक था, मायका पक्ष पूरा राजनीतिक परिवार था, ससुराल पक्ष राजनीतिक परिवार था, तो राजनीति में ना चाह के भी आना स्वाभाविक था। तो राजनीति में आ गई, सबसे पहले मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, फिर संगठन में काम किया, अभी वर्तमान में पार्षद हूँ, लेकिन मेरा किचन तब भी नहीं छूटा। किन किन मुश्किलों से आप गुजरे इस सफर में यहाँ तक पहुँचने में आपको फंसे? हाँ, निश्चित तौर पर लंबी राजनीति किया है, संघर्ष भरी राजनीति रही मेरी। शुरुआती दौर में जब मैंने जिला 2000 की बात है, ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ी मैं, तब मैं प्रचार करती थी माननीय गौरी शंकर जी बिसेन, के डी भाऊ, अन्य नेताओं की हमने प्रचार किया, लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सक्रिय राजनीति में आ जाऊंगी। 2000 की बात है जब पंचायती राज की शुरुआत थी, सेकंड टर्म में अध्यक्ष का पद ओबीसी महिला हुआ था, तो आदरणीय रेखा बिसेन जी द्वारा मुझे बोला गया कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, और उन्होंने मुझे मतलब मेरे फार्म में दस्तखत करके, कोरे फार्म में दस्तखत करवा के ले गई थी उन्होंने तो। और उसके बाद मेरा राजनीति सफर हुआ, बहुत अच्छे वोटों से मैं जीती, लेकिन बहुमत के बावजूद भी एक वोट से मैं अध्यक्ष का चुनाव हार गई थी, शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। 5 साल का कार्यकाल मेरे जीवन का स्वर्णिम कार्यकाल रहा, मुझे अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिला, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष जरूर हम हार गए थे, लेकिन जिला सरकार का गठन था उस समय, जिला सरकार में भाजपा का बहुमत था, तो हम अपने अनुसार जिला चलाते थे, क्योंकि सारे अधिकार उस समय जिला सरकार को थे। वो कार्यकाल मेरे लिए स्वर्णिम कार्यकाल था। उसके बाद संगठन में मैंने लंबे समय तक जो दायित्व संगठन ने दिया, छोटे से बड़ा, राष्ट्रीय कार्य समिति से लेकर प्रदेश, जिले के व्यापारी प्रकोष्ठ की सदस्य लाल बरा के लिए, तब से लेके जिले में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, जो दायित्व जिला नेतृत्व ने दिया, जहाँ जिस मंडल का प्रभारी हो, जिले का प्रभारी हो, सब मैंने अच्छे से किया उस बीच में। हाँ, ये अलग बात है कि विधानसभा लोकसभा में मैं प्रयास करती रही, तब शायद किस्मत बुलंद नहीं थी तो टिकट नहीं मिली। तो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ा, वो भी मैंने अध्यक्ष सदस्य का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बनने की मनसा से ही लड़ा था, लेकिन किस्मत ने वहाँ भी साथ नहीं दी, हमारी ही एक बहन भारती ठाकुर जी बनी, मगर हम पार्षद हैं अभी और उनके साथ मिलकर नगर को व्यवस्थित करने, नगर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी लोकसभा में, विधानसभा में भी मेरा नाम चला, सर्वे में गया, पत्रकारों ने मुझसे पूछा, लेकिन तब मैंने स्पष्ट कहा था कि नहीं, विधानसभा में नहीं लड़ूंगी, हाँ लोकसभा में, लेकिन मेरे जीवन का आखिरी प्रयास रहेगा, अपनी जितनी क्षमता है उसका पूरा प्रयास करूंगी, और टिकट के लिए तो सौभाग्य से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे सीएम साहब, वीडी भाई साहब, जिले का नेतृत्व का भी सहयोग रहा और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और आज मैं लोकसभा की प्रत्याशी हूँ। और पार्षद से सीधे सांसद प्रत्याशी बनना, ये सफर को कैसे आप देखते हैं? निश्चित तौर पर ये जो सांसद से पार्षद का सफर, पार्षद से पार्लियामेंट का सफर,
ये मेरे संघर्ष के आधार पर ही शायद पार्टी ने या ईश्वर की कृपा ही मानती हूँ मैं। हम कभी कभी थोड़े में दुखी होते हैं, ईश्वर सबके लिए कुछ लिखा होता है। शायद हो सकता है मैं अध्यक्ष बन जाती नगर पालिका की, अध्यक्ष बन जाती जिला पंचायत की, तो मैं ये नहीं होता। उस समय मैं दुख हुई, काफ़ी दुख हुआ, मुझे रोना भी आता था, ऐसा लगता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन आज ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं उसी बात पर फिर से लौटना चाहूँगी, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव था और आप पार्षद बनी और अध्यक्ष का चल रहा था कि अध्यक्ष बनेगी आप, और कहीं ना कोई ऐसा कारण हुआ कि आप नहीं बन पाई अध्यक्ष, तो कहीं उसका तो नतीजा नहीं है कि भाजपा ने आपको सांसद की टिकट दिया? देखिए, भाग्य से पहले और किस्मत से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और जैसे आप कह रहे हैं कि उसका नतीजा या उसका ही आपको इनाम या जो, तो ये भाजपा में ही शामिल है, अन्य दलों में नहीं। अन्य दलों में तो उसका बेटा, उसका नेता, पारिवारिक वो चलता है, भाजपा में भी एक छोटे से कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे लंबे समय के कार्यकाल का देखते हुए मुझ पर विश्वास किया है। राजनीति में ऐसा कौन सा काम है जो आप बार बार करना चाहेंगे? देखिए, लंबे समय के बाद अगर किसी महिला को बालाघाट जिले में लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया तो लोगों की अपेक्षाएं भी मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो सबके ऐसा भी नहीं है कि यहाँ हमारे सांसदों ने, हमारे पूरे मंत्रियों ने कार्य नहीं किए, सबने अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी जैसे रेलवे ब्रॉडगेज का हुआ, उसमें डबल लाइन करना, दूसरा हमारे यहाँ का मजदूर जो है बाहर पलायन करता है पूरे मतलब हर ब्लॉक से। तो मेरी प्राथमिकता में मैं हर बार हर किसी को यही कह रही हूँ कि मैं उद्योगों की तरफ ध्यान दूंगी, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हमारे यहाँ खुलने चाहिए, चाहे वो विधानसभा स्तर पर हो, चाहे हमारे जिला स्तर पर हो, तो उससे रोजगार भी मिलेगा, तो जो पलायन हमारा हो रहा है वो शायद संभवतः रुक सके। तो उसके लिए भी हम अपने उद्योगपतियों के साथ बैठकर, अपने वरिष्ठों के साथ बैठकर उनका अनुभव लेके ही कुछ कार्य करेंगे। दूसरा एक जो मेरे मन में है, युवाओं के लिए एजुकेशन की बात करें तो मेडिकल कॉलेज है, दूसरा क्या कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद जी ने कार्य किए हैं, तो मेरा भी ऐसा है कि शायद हाई एजुकेशन की तरफ हमको, हाई एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, हाई एजुकेशन के लिए। अब देखिए, हमारी देखिए प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी भारतीय पार्टी जी हैं, अब ये रोटी बना रही है। देखिए, आप देखे होंगे अमूमन कि रोटियां अच्छी गोल नहीं बना पाते हैं, किचन में बहुत से महिलाओं को भी देखे हैं वो चीज, लेकिन आप देखिए कितना सुंदर रोटी बना पा रही है। देखिए, गोल गोल अच्छी सी, और बनाना देखिए मतलब कुशल गृहिणी की अच्छी निशानी इसी को बोलते हैं कि आप कोई भी काम करें उसमें परफेक्ट होना और परिवार के सदस्य आपसे खुश रहें, क्योंकि भोजन होगा, भोजन के बाद ही काम होते हैं, बोलते भूखे पेट भजन नहीं हुए गोपाला, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो देखिए, हमारे कुशल महिला नेत्री है, राजनीतिज्ञ है, उसके बावजूद देखिए, ये देखिए कितना सुंदर रोटी इनने बनाया, देखिए आप देख सकते हो, देखिए रोटी फूलना भी स्टार्ट हो गया है। तो रोटी के भी कुछ खास ऐसा कुछ इसमें है क्या, आप फूल रही रोटी हो बेहतरीन, आप गोल गोल बना रहे हैं, इसकी कुछ क्या खास बताए ऐसा खास कुछ नहीं होता है, क्योंकि रोटियां बहुत सारी प्रकार की बनती, किस प्रकार कितने प्रकार की आप रोटियां बना लेती हैं जी? नहीं नहीं, हम लोग तो थोड़ा सादा मतलब सादा भोजन वाले ही लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, वहाँ कभी शौकिया है पराठे पूरी ये बन रही है या किसी अलग टाइप के पराठे हैं कुछ, लेकिन रोज की दिनचर्या में गेहूं की रोटी। हाँ, लेकिन मैं जरूर मल्टीग्रेन आटा की मिक्स इसलिए खाती हूँ, गेहूं अवॉइड करती हूँ, चावल जैसे मैं नहीं खाती जी। मल्टीग्रेन में क्या खासियत रहती है, क्या क्या करते हैं और क्या क्या मिलवाते हैं उसमें मल्टीग्रेन आटा में? जौ, बाजरा, मक्का सारी चीजें रहती भैया उसमें। अच्छा। गेहूं भी थोड़ा थोड़ा बहुत गेहूं रहता है। देखिए, ये रोटी अब इनके फूलने लगी है क्योंकि सुबह सुबह इनको निकलना होता है, तो पहले ही खाना भरपूर बनाती, खाना बनाने के बाद ही सबको खाना खिलाती है, खाना खिला के फील्ड में निकलती, राजनीतिक फील्ड में। लगातार विपक्ष भी प्रहार कर रही भाजपा पे, प्रत्याशियों पे, कि आप जरूर जुड़े रहें, जमीन का जमीनी कार्यकर्ता के रूप में आपको देखा जाता है, लेकिन स्थिति क्या है कि अभी जो घोषणाएं हुई है उन घोषणाओं को लेके लगातार कांग्रेस निशाना बना रही भाजपा, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि पूरा नहीं हुआ, किसानों की बात हो चाहे महंगाई वाली बातें हो, इस चीज को लेके कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने कहा कांग्रेस विपक्ष, तो विपक्ष का तो काम है कहना, विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए तो राजनीति करने का मजा एक अलग होता है। दूसरा, जैसे आपने कहा किसानों की बात, तो किसानों का तो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है, किसानों का प्रदेश नहीं देश में विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किसान करा हुआ है। जैसे आज समर्थन मूल्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कहा हुआ है, तो हम तो करेंगे ही निश्चित तौर पर।
हाँ, विधानसभा के बाद हमारा पूरक बजट आया था, मुख्य बजट नहीं आ पाया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम के मंच से भी ये कहा है, एक संकेत दिया है कि जैसे ही लोकसभा के बाद हमारा पूर्ण बजट आएगा, हम किसानों की चिंता करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा है, किसानों के हित की बात हमेशा करती है, तो वो करेगी, कोई बात ही नहीं। एक तो राजनीति में मैं आ गई, और ये मेरा एक शौक सा है कि लोगों के काम करना, लोगों के साथ उठना बैठना, चाहे वो किसी भी गांव का हो, किसान हो, वो जो भी उद्योगपति हो। तो जो गरीब लोग आते हैं, उनके कामों को यदि अपन करते हैं, तो जो उन्हें संतुष्टि मिलती है, उससे बहुत आनंद का फील होता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है इन सबके सहयोग के लिए। तो मैं तो सेवा भाव से कार्य करने आई हूँ, अब आगे ईश्वर जो देगा उससे करते रहेंगे। लाडली बहना जो योजना है, वो कितना इफेक्टिव होगी इस लोकसभा चुनाव में? मुझे तो मेरी टिकट जो मिली है, वही मुझे लगता है कि जो महिला, एक नई महिला को, और महिला को टिकट मिली है, उसके दो कारण मुझे लगते हैं। मैं अपने भाषणों में भी कहती हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट में महिलाओं का लिंग अनुपात 90% ज्यादा है, उसका भी लाभ शायद मुझे मिला होगा। और दूसरा जो मुख्य कारण है, समझते हैं, पिछले मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट बनी, वो लाडली बहनों के आशीर्वाद से बनी, एक तरफा बहुमत दिया, हो सकता है महिलाओं मध्य प्रदेश में इसीलिए मुझ पर विश्वास किया होगा। महिला होने के नाते लाडली बहनों का जन समर्थन अभी भी, वो करंट गया नहीं है, और महिलाएं बहुत खुश हैं। आप फील्ड में जा रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि मोदी में जी कितना काम कर रहा है कि यहाँ बालाघाट लोकल मुद्दे हावी हो रहे हैं, क्योंकि लोकल बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या कर रहे हैं, उसका क्या प्रयास रहेंगे आप? मोदी मैजिक तो पूरे देश में है भैया, उसे हम नकार नहीं सकते। और उसका एकमात्र कारण है राम मंदिर का बनना, धारा 370 का हटना, ट्रिपल तलाक, CA, ऐसे बड़े बड़े निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं। और उतने ही निर्णय लेने के लिए, मतलब सबको समझ रहा है कि मोदी जी यदि अगर तीसरी बार बनते हैं, तो आशा भरी नजरों से पूरा देश उन्हें देख रहा है। तो मोदी जी का करंट तो है ही। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि नए लोगों के से लोग जुड़ते हैं, ये भी मुझे देखने मिल रहा है। महिला होने के नाते मैंने कल्पना नहीं की थी कि मेरे जिले का कार्यकर्ता, जिले के नेता, मुझे मतलब इतना मुझे प्रतिसाद मिलेगा, और इतने लोग खुशी खुशी मुझे एक्सेप्ट करेंगे। सच में ईश्वर ने ऐसा मतलब एक रास्ता बनाया, कार्यकर्ता मतदाता सब में अति उत्साह है। हमारे नेता भी मुझे मतलब, यानी चुनाव भारतीय पार्टी नहीं लड़ रही है, चुनाव हमारा संगठन लड़ रहा है। क्या लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं जब शुरुआत में आपको टिकट मिला था, तो लोगों में थोड़ा सा लग रहा था गुटबाजी हावी हुई, क्योंकि लगातार बहुत आपसे वरिष्ठ लोग भी और भी अन्य दावेदारी में थे, दौर में थे, तो क्या लगता है गुटबाजी है कि अभी बीजेपी में? कहीं से नहीं, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय पार्टी को केवल कार्यक्रम दे दिया जाता है, आपको इधर देखना ही नहीं, आप तो जनसंपर्क करिए। मुझे लिस्ट दे देते 25 गांव जाना है, 30 गांव जाना है, 20 गांव जाना है, उससे मुझे दाएं ही देखना है, फाइनेंशियली कैसे हो रहा है, प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, गाड़ी घोड़े कैसे लग रहे हैं, कहाँ बैनर जाना है, कहाँ पोस्टर लगना है, सारी व्यवस्थाएं हमारे वरिष्ठों के हाथ में है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मुझे केवल जनसंपर्क करना है और ज्यादा से ज्यादा गाँव में जाना है। 30 साल का लंबा सफर हो गया है बीजेपी के, यहाँ सांसद है, लेकिन लोकल कुछ जो मुद्दे हैं उसको लेके बार बार ही बीजेपी कटघरे में खड़ा होता है, जैसे कि जो यहाँ पे हमारा मैंगनीज है, तांबा है, वन संपदा है, खनिज संपदा, उससे संबंधित जो उद्योग धंधे हैं वो यहाँ पे नहीं लगा है, और लगातार भाजपा के जो सांसद यहाँ पे रहे हैं और उनके द्वारा कार्य नहीं किए गए, लगातार इनपे भाजपा पे आरोप लगता है, तो उससे कैसे निजात आप पाएंगे इस चीज़? निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ विकास की संभावना है, मैग्नीज है, तांबा है, बांस है, चावल कृषि के क्षेत्र में ऐसे अथाह संभावना इसमें है। ऐसा नहीं है कि हमारे विधायकों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे पूर्व मंत्रियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जैसे टिकट मिलने के बाद वरिष्ठों के साथ, या पहले भी जैसे उनके साथ बैठे हैं, तो जो अनुभव मुझे आया है वो प्रयासरत है, बहुत से काम हमारे पेंडिंग है। मैंने पहले भी आपको कहा कि उनके साथ मिलकर इन सब चीज़ों पर, उद्योगों की बात जो मैं बार बार कह रही हूँ, कि निश्चित तौर पर हमारे शहर का युवा बाहर जाता है दूसरे शहरों से, वो तुलना करता है और अपने आप को सोचता है कि हमारे यहाँ भी ये चीज़ें नहीं हैं। तो हम उनके साथ बैठ के, युवाओं के साथ बैठ के, उद्योगपतियों के साथ बैठ कर, अपने वरिष्ठों के साथ बैठ के इस विषय पर ध्यान देंगे। मैं हर बार यही बोल रही हूँ कि उद्योगों की तरफ बढ़ावा देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। भाजपा हर बार देखा जाता है कि सांसदों को दोहराती नहीं है, हर बार प्रत्याशियों को चेंज कर देते, नए चेहरों का अपना दाव खेलती है, ये क्या है, इसको मानते हैं, इस चीज को कैसे? कितनी अच्छी बात है, ये हर व्यक्ति को मौका मिलता है कि हर परिवार का, यदि अगर एक व्यक्ति लड़ा, उसका बेटा, ये हमारे यहाँ नहीं होता, जो ये कांग्रेस में होता है। हमारे यहाँ तो हर बार नया कार्यकर्ता पता दे के भारतीय जनता पार्टी साबित कर सकती है कि हमारा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हर चुनौती के लिए सक्षम है। कहने का मतलब ये है कि हर भाजपा में हर अलग अलग, हर बार जो चेंज की जाती है, नए नए प्रत्याशियों को मौका देते हैं, कि जमीनी कार्यकर्ता से लेके अन्य भी लोगों को मौका देती है भाजपा, इनका खास साफ तौर पर ये कहना है। तो ये अब लास्ट, एक अंतिम दौर में चल रहे हैं, तो बताएं कि अभी जो है आप फील्ड में निकल लेंगे,
तो आप यदि बनती हैं तो क्या आपका विजन रहेगा बालाघाट के लिए? बालाघाट में एक जैसे हमारे यहाँ एक कोटेश्वर का, जैसे जो मोदी जी ने भी कहा, मुझे भी जो वहाँ से पीएमओ से आया था तो मैंने यही दो चीज़ों को कहा था, रामपाली का मंदिर और कोटेश्वर, ये हमारी धरोहर है, इनके लिए हमको कुछ मतलब अच्छा करना चाहिए। तो एक दूसरा ये प्राथमिकता मेरी रहेगी। दूसरा है पर्यटन की दृष्टि से भी, हमारे यहाँ जैसे नेशनल पार्क यहाँ पर है, अब बालाघाट में भी जैसे बैनगंगा में भी जब मुझे तैराकी संघ ने कहा है कि वहाँ पे उसको अपन एक अच्छा स्थल बना सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से, तो वैसे छोटे छोटे काम है बालाघाट के लिए। और उद्योगों का तो और युवाओं का मेरे को पहले आपको पहले कहा मेरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन क्या लगातार ये देखा जा रहा है कि आप विजन लोग बनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती हर बार बीजेपी से, उस चूक को कैसे निकाले? क्योंकि आपसे बहुत जो है जनता आस लगाई है, बैठी है, आपको प्रसाद जो मिल रहा है, आप कहना आप ही कह रही थी, तो उससे कैसे आप निजात दिलाएंगे भाजपा? मैंने इसीलिए तो अपना विजन बहुत लंबा चौड़ा नहीं रखा है, छोटा विजन रखा है ताकि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में वो पूरा कर सकूं। एक ट्रेन की लाइने मतलब डबल लाइन करना उद्योग के लिए और युवाओं की एजुकेशन के लिए, बहुत लंबा नहीं। फिर जो परिस्थितियां आएगी, अच्छे सुझाव यदि आएंगे जनता से व्यापारियों से जैसे, तो उसके ओर हम जरूर काम करेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो जाति का समीकरण बहुत हावी रहती है और पवार बाहुल ही बोलते हैं कि जीत और हार को आधार बनाती है, और आप भी पवार जाति से हैं, तो उसको किस नजर में आप देखते हैं? मैं सेकेंडरी मानती हूँ इन सब चीजों को। राष्ट्रीय पार्टियों का अपना एक महत्व होता है, जिस देश में मतलब मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है तो वहाँ सामाजिकता पे और समाज और जाति पे तो मैं नहीं मानती कि कोई चुनाव होता है। हाँ आपका कहना सही है, पवार बाहुल्य जिला है, पवार सांसद रहे, ऐसा नहीं है, यहाँ से कंकर मुजारी जी भी रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल भी रहे हैं, मोदी समाज के भी सांसद हमारे इस जिले में रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास इस जिले का है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद चेहरा कोई भी हो नहीं, लेकिन अभी तक यदि मैं रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो पवार ही जाति से सर्वाधिक पवार जाति से ही टिकट भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो को दिया है। यहाँ देखें तो जाति का समीकरण हर भी फिट बैठती है, तो वो भी एक जीत का आधार हो सकता है कि भाजपा ने जो टिकट दिया आपको। निश्चित तौर पर पार्टी जब टिकट देती चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो ये सब समीकरण को देखते हुए देती है, तो हो सकता है इस कारण भी जो 2-3 बातें हैं प्रमुख, इस कारण मुझे उसका लाभ मिला। ये थी हमारे साथ भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी भारती पारधी, जिनका साफ तौर पे कहना है वो कुशल गृहिणी तो है ही है और एक कुशल राजनीतिक कार भी है, लेकिन दोनों का सामंजस्य वो बिठाती है क्योंकि अपने दिनचर्या को वो लगातार बदलती रहती है, जल्दी उठती है, सभी के लिए खाना बनाना देना, उसको सामंजस्य बिठाने का ये प्रयास करती है और लोग भी इससे खुश हैं।